अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। पहली बार हम किसी से कैसे, कब, कहां, किस लाइफ में मिलते हैं ये हमें भी नहीं पता, और उन्हें हम फिर कब, कैसे, कहां, किस लाइफ में मिलते हैं। कहाँ से आईं? बाथरूम। तुम यहाँ कैसे आए? प्लेटफॉर्म से। आप बाथरूम में क्या कर रही थी? अच्छा, टिकटलेस ट्रैवल कर रही हैं। ओह शट अप। आप यहाँ इस कंपार्टमेंट में कैसे आईं? यहाँ की सारी सीटें रिजर्व हैं। भाई साहब, सर एडजस्ट कीजिएगा प्लीज। थैंक यू।
ये पूरा कंपार्टमेंट मेरे लिए रिजर्व किया गया। अब आप चलते बनिए। अब तो नामुमकिन है, अब तो बंबई में ही चलता बनू। आपने ऐसा क्या किया होगा कि आप सब से छुप रही हैं? सारी सीटें बुक करा ली। आप यहाँ जानकर, आप मुझे जानते नहीं? आप जानती हैं मैं कौन? गोविंद रुखसार। जामुन खाइएगा। अच्छा अच्छा, इसलिए इतना ड्रामा कर रही है, फिल्म स्टार है। खाइए ना। खाइए। संगीतकार हैं, बंबई किस्मत आजमाने जा रहे हैं जी। मैं भी आई थी लखनऊ से, मैं और मेरी सहेली घर से भागे थे। मुझे एक्ट्रेस बनना था। एक दिन स्टूडियो के बाहर राज खोसला जी की नजर मुझ पर पड़ी और फिर और अब आप एक बड़ी स्टार हैं जो खुद की मैगजीन लेकर घूमती हैं। क्या करें, आप जैसे मुझे पहचानते नहीं। माफ कीजिएगा, अगर आप एसडी बर्मन या राज खोसला होती तो झट से पहचान। अरे कच्चे आम, बड़े दिनों से नहीं खाए, प्लीज जाकर मेरे लिए ले आइए ना। अब तो ट्रेन भी रुक गई। आप जैसा बोलती हैं लोग वैसे ही करते हैं ना। ये देखिए, आपके कच्चे आम के चक्कर में मेरी ट्रेन मिस हो जाती। आप यही जाती थी ना। क्यों? अजीब बात है, आप फिल्म स्टार बनी मशहूर होने के लिए और अब जब मशहूर हो गई हैं तो अपना चेहरा छुपा रही। अच्छा लगा आपसे मिलकर। अब अगर आपका ऑटोग्राफ नहीं मांगा तो शायद आप बुरा मान जाएंगे। आप यहाँ कैसे? गंगाधर मैन को जानते हैं, आप सामान लीजिए। जी नमस्ते मैडम। नमस्ते, आपका सफर कैसा? सब ठीक चले। आइए गाड़ी तैयार।
माफ कीजिएगा, बारिश हो रही है, इंजॉय कर रहा हूँ, छाता नहीं है मेरे, आपके पास है, शेयर करेंगे? जी मेरा नाम गोविंद है, पुणे से आया हूँ, आज से बुकिंग है मेरी यहाँ 3 महीने के लिए, एडवांस मनी ऑर्डर से भेज चुका हूँ, ये रिसीट है, माफ कीजिएगा थोड़ी क्लियर। सॉरी। आइए मैडम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग चाचा। एक घंटे में आपका शॉट। गुड मॉर्निंग मैडम। नाश्ता अभी लेंगे, शॉट के बाद लेंगे। बच्चे नाश्ते में आप क्या पसंद करेंगी? कॉफी ला सकता हूँ, जूस ला सकता हूँ, हॉट टी, कोल्ड मिल्क। बस एक घंटे में छोला भटूरा मिलता है, सलाद, आलू की टिक्की। देखो वो जो आदमी वहाँ पर है, वो गिटार वाले साहब। हाँ, वो मुझसे मिलने आएंगे, आप उन्हें 5 मिनट वेट करवा के मेकअप रूम में ले आइए। जी मैडम। मैंने आपसे कहा था ना, सिर्फ 5 मिनट वेट करवाइए, पूरा आधा घंटा होने को आया, जाइए उन्हें अंदर लेकर। लेकिन मैडम वो साहब तो आए नहीं। हाँ मैडम, मैं उन्हें बुलाऊं, उन्हें बुलाकर 5 मिनट रुकाकर फिर अंदर ले आता हूँ। नहीं ठीक है। जी मैडम। देख रहे हैं? हाँ मैडम। वो मुझसे मिलने आएंगे, आप उन्हें 5-10 मिनट वेट करवा कर मेरे पास अंदर ले आइएगा। जी मैडम। ठीक है। वो साहब नहीं आएगा तो तू पिटेगा। हाँ। एक सेकंडी। चेंज कर दे। नहीं सॉरी बारी जी, आप मुझे 5 मिनट देंगे? नो प्रॉब्लम। चलो आइए मैडम, आप जाइए उन गिटार वाले साहब को लेकर आइए। आइए सब। आप समझते क्या है अपने आपको? 2 मिनट आपसे मैंने बात किया कर। आप कौन है? मैं आप ही नहीं तो बुलाया था। मैंने उस गिटार वाले को बुलाया था। मैम ऑटोग्राफ प्लीज। गंगाधर आइए भाई साहब। मैम एक धुन सुनेगी? मैं आपकी धुन मैं सुनूंगा, चलिए ना।
इतनी देर से आने का मतलब? अच्छा आप यहाँ हैं, अरे वाह, एक सेकंड मैं अभी आया। अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि आप यहाँ हैं, पता होता तो मैं पहले। आप यहाँ मुझसे मिलने नहीं आए तो फिर आप यहाँ कर क्या रहे? आप भी तो यहाँ मुझसे मिलने नहीं आए, मैं तो आपसे नहीं पूछ रहा कि आप यहाँ क्या कर रही हैं। मैं यहाँ शूटिंग कर रही हूँ। आप यहाँ काम करने आए तो फिर अभी बाहर भागते हुए क्यों गए? ये आपके कच्चे आम? जी स्टूडियो के बाहर ही मिलते हैं, यहाँ बंबई में इनमें प्याज और हरी मिर्च डाल के बनाया जाता है, चटपटे हैं, ट्राई कीजिए। वैसे यहाँ इन्हें कैरी कहते हैं। थैंक यू। अच्छा लग रहा है, इसी की हवा नहीं, यही कि आप हमें मिस कर रही थी और हमारा इंतजार किया जा रहा था। अच्छा लग रहा है। गिटार बजाने का? जी। फिल्मों में या होटल में? वैसे आप होटलों में बैंड में भी बजा सकते हो। थैंक यू, वहाँ भी ट्राई करूँ। अजीब है, आप आपसे कोई बात कर रहा है और आप उसकी तरफ देख भी नहीं रहे हो। अब जो आपने देखा उसके बाद मैं आपको कैसे देखूं? शर्मानी चाहिए आपको किसी लड़की से इस तरह बात करते हुए? एक्सक्यूज मी प्लीज, अभी कब रुकती? बस अभी आने वाला स्टॉप पे रुक जाए। ये आजकल की लड़कियां बहुत ही फॉरवर्ड हो गई। देखिए अब और क्या देखना है आपको? बहुत हो गया, इसे हमें खत्म करना चाहिए। शर्मा मैं रही हूँ यहाँ। देखिए इसे खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, जिस तरह आपने मुझे, जी उसी तरह मैं भी आपको। आपसे होगा नहीं, अगर मेरी खिड़की खुली भी होगी तो आप देखेंगे नहीं।
आज आप इतनी जल्दी कैसे तैयार हो गए? ऐसे ही सोचा आपको ट्रैम स्टेशन छोड़ना है। से मेरे दिल को उफ, तुझ पे मरना आ गया, सबको चेहरे पढ़ना आ गया, सबको इस शहर में चेहरे पढ़ना आ गया। जब से मेरे दिल को तुझ पे मरना आ गया, तो आ आ आ आ भी जा, ना ना नजरें चुरा, ये ज़माना भी देखे जरा। जब से मेरे दिल को उफ, तुझ पे मरना आ गया, सबको चेहरे पढ़ना आ गया, सबको इस शहर में चेहरे पढ़ना आ गया। जब से मेरे दिल को तुझ पे मरना आ गया, तो आ आ आ आ भी जा, ना ना नजरें चुरा, जब से मेरे दिल को।
मुस्कुरा, जुल्फ झटक के आ जरा, मैं ही मैं हूँ और बस तू ही तू। गुपचुप चुप अब नहीं, चुप 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 अब नहीं, छिड़ने दो अब खुल के गुफ्तगू। ख्वाबों में मुझको यकीन अब करना आ गया, सबको इस शहर में जहर पढ़ना आ गया। तो आ आ आ आ भी जा, ना ना नजरे चुरा, ये समाना भी देखे जरा। नखरे हैं तेरे, होश उड़ाते हैं मेरे, मेरी नहीं है इसमें कुछ खता। प्यार कर दियो तो फिर क्यों डरना आ गया, सबको इस शहर में जहर पढ़ना आ गया। जब से मेरे दिल को उफ, तुझ पे मरना आ गया, सबको चेहरे पढ़ना आ गया, सबको इस शहर में चेहरे पढ़ना आ गया। जब से मेरे दिल को तुझ पे मरना आ गया, तो आ आ आ आ भी जा, ना ना नजरे चुरा, ये जमाना भी देखे जरा। जब से मेरे चाची जी पूछ रही थी तुम्हारे बारे में। अच्छा? कह रही थी वो हैंडसम लड़का कौन है, क्या करता है? आपके खानदान में सभी लड़कियां ऐसी? वो अपने बारे में नहीं, मेरे लिए पूछ रही थी। और इसमें इतना सरप्राइज होने वाली क्या बात है, मैं 1960 की लड़की हूँ, अपने डिसीजंस खुद हूँ। जी जी, और मेरे लिए भी साथ में ले रही हैं। पहले डिसीजन तो मैं ही लूंगी ना। आपको नौकरी मिली? नहीं। घर? नॉट गुड। ऐसे ही रहा ना तो आपको कोई लड़की नहीं मिलने वाली। चाची से कहिए, मिल गई। मैडम आपके गेस्ट हैं, मैं उन्हें अंदर लाऊंगी, आप 5 मिनट वेट कराऊं। चाहिए लेकर आए। जी जी। तुझे रुका, कितना बुद्धू, आई एम सॉरी। मुझे तुझे कुछ बताना है। मुझे भी। हाँ? पहले मैं किसी से मिली हूँ। मैं भी। हाँ? मेरे कंपार्टमेंट में जबरदस्ती घुसाया, मेरे सामने वाले कमरे में रहने आया। थोड़ा सा अकड़ू है, बहुत शर्माता है, ऐसे पेश आता है जैसे कोई बहुत बड़ा फिल्म स्टार हो। पहले सोचा बदमाश है, पर बहुत ही शरीफ है, मुझे उसकी यही बात पसंद आती है। पसंद है? तुझे देख उसके बारे में बात कर, कितना स्माइल कर रही है। नहीं तो उसके सामने कैसी होती होगी? खुदा के देख लेना। सच? प्रेमिया पे। लेकिन तुझे भी अपने पड़ोसी को लाना पड़ेगा। ओके ओके ओके। मैंने तो आपको पहले दिन से ही अपना मान लिया, अब आप नहीं समझ रहे तो मैं क्या। तुम मुझे इस प्रेमिया पे बुलाना चाहती हो? मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ, इट्स अ सरप्राइज। ठीक है,
तो मैं भी कल तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। वो जिसके बारे में मैं गोविंद मैं किसी से मिली मैं भी मेरे सामने वाले कमरे में रहने आए हैं मेरे कंपार्टमेंट में जबरदस्ती घुसाया मैं और मेरी सहेली घर से भागे थे मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ तो मैं भी कल तुम्हें एक सरप्राइज दूँ अच्छा लग रहा था ये क्या आप हमें मिस कर रही थी और हमारा इंतजार किया जा रहा है चाची से कही मिल गई Stop this fighting. It stopped, Krish. हमारे भी जो था सब stop थी. और वैसे भी तुम्हारे पास मेरे लिए time कहाँ है? Oh sorry, time है work के लिए, studies के लिए सिर्फ मेरे लिए time नहीं है. Krish and Meera fighting again. Listen, मैं यहाँ काम करने आया हूँ, पढ़ाई करने आया हूँ, मस्ती करने नहीं, okay? Oh nice. तो अब मैं तुम्हारी life में सिर्फ मस्ती हूँ. You know I didn't mean that and those are really expensive shades. So. It's over, Krish. I hate you. I hate you too. Come on, Radha. वहाँ मुझे मीर से शेक्सपियर की लाइफ स्टोरी अकेले सुननी पड़ रही है। तूने देखा? स्वीट वेडिंग थी लड़के ने लड़की से वादा किया मैंने भी अपने आप से एक वादा किया है उस मीर वोरा के साथ मैं कभी भी कहीं नहीं जाऊंगी बेचारा इतना भी बोरिंग नहीं है यार ओह माय गॉड गाइस कम हियर चलो जानते हो यहां के चौथे बेंच पर बैठकर शेक्सपियर ने रोमियो और जूलियट लिखी थी हां यही है जूलियट प्लीज टेल मी कि तेरा रोमियो ऐसा नहीं होगा ओह कम ऑन
Idiot! क्या? तुमसे नहीं, मुझसे कह रही थी। I'm sorry कि आपको idiot कहा। It's okay। अपने मन में मैंने भी तुम्हें idiot कहा। That's 5 minutes in that direction over there, and then I thought we could stop somewhere to have ourselves a nice lunch. We could do like a 3-course, you know, with like a nice tea. That guy stole my phone. Dessert, really? You know, yeah, it's the oldest trick in the book. Bang what? Into somebody and then steal their phone. Yeah, unka wallet kahan gaya wo? Officer, that guy stole my phone. He bumped into me and he stole my phone. A blue shirt. The oldest trick in the book. Come with me. That's what I said. That hey guy, you. Stop him. Wait. In the blue shirt. Wait, in the blue stop shirt. Right there. Stop. Yep, that's him. Sir, did you take her phone? What? Can I see your phone, sir? Please. Yeah, sure. That's... Oh. Oh, yeah, that's not my phone. When we banged into each other, it must have kind of got exchanged. When you purposely bumped into me. So, this is her phone, sir? Yes. Yes, but obviously, when we banged into each other, our phones must have got exchanged, right? So, you must be having my phone. Rubbish! You stole my phone! Why am I stealing your phone? Mujhe kya pata log chori kyun karte hain? Sir, you're gonna have to come with yeah, me. But you need to check her for my phone. You have the right to remain silent. No, I don't want to remain silent. I just want sir, to... Sir, her phone was found on you. You've admitted the crime. Crime? If you don't come quietly, I'm going to have to forcefully arrest you. But why are you arresting? I mean, can you at least... Listen, dude! You know what I'm thinking? I'm thinking, why don't we go up now? Let's go to this place quickly, and then we can go up to the... Pick up now. Not mine. What? Happy birthday. Abhi kahan hai tu? It's his fault. Sir, I'm sorry. मैंने बेल के पैसे भी. You got me arrested. Happy birthday. Thanks. Best birthday ever. Just let me buy you a drink, please. एक दिन मैं घर से भाग गई. मैंने सोचा कि मैं अपने पेरेंट्स को एक सबक सिखाऊंगी मैंने अपना सूटकेस पैक किया एंड मैं भाग मैं 6 साल की थी और जो मेरा सूटकेस था ना वो एक्चुअली मेरा लंच बॉक्स था और मैं घर से गार्डन तक भागी 20 मिनट बाद जो मेरे लिए लाइक वन फुल डे था मैंने सोचा कि अब तक तो मेरे पेरेंट्स सबक सीख रहे हैं मुझे शायद वापस घर जाना चाहिए मैं घर वापस गई ये सोच के कि मेरे पेरेंट्स रो रो के मुझे हग करेंगे और प्यार करेंगे लेकिन उन्होंने मुझे डांट दिया कि बारिश में क्यों खेल रही थी और ये लंच बॉक्स कैसे टूटा मुझे सब कुछ याद सिर्फ ये याद नहीं कि मैं घर से क्यों भागी थी सो बेसिकली जो चीजें हमें कभी कभी सूटकेस लगती हैं वो एक्चुअली सिर्फ लंच बॉक्स होता है ना ट्रू अनकही
जज्बात है मुलाकात है अनकही कोई बात है रात की शैतानियां या अलग ये जज्बात है जाना चाहिए मेरी ट्रेन 15 मिनट तुम्हारा नाम क्या कृष राधा हाय I think we had a good time last night. I think so too. Agli train kitne baje? I have to go, Krish. Hey, Radha, where have you been? What is it? It's a long story. Oh, come on, let's go. Krish, मुझे तुम्हारे बर्थडे पे तुम्हारे साथ फाइट नहीं करना चाहिए था। Agree. And what is this that you're wearing? Anyways, कहाँ थे तुम? रोहन और चिराग भी तुम्हें ढूंढ रहे थे। Just at a club.
Club? You hate clubs? किसके साथ थे? तुम उन्हें नहीं जानती. मैं नहीं जानती. मैं तुम्हारे सारे चार दोस्तों को जानती हूँ. Anyways, you don't have friends. क्योंकि तुम्हारे पास time कहाँ है? सिर्फ work and study. Exactly. And that's why you decided that let's just break up with Krish on his birthday. वो एक दिन जब वो खुश होना चाहता है, let's just screw it up for him, right? ऐसा कौन करता है मीरा? You don't know where I was? I was with Radha. Who's Radha? We met her, kind of bumped into each other last night. एक झगड़ा होता है और तुम किसी भी लड़की के साथ वो किसी भी लड़की नहीं है मीरा, और हमारा झगड़ा नहीं हुआ था. We broke up in front of the whole university. Remember? Just like how you always like to do it, public तमाशा. तो दो घंटों में तुम्हें कोई और मिल गई? We broke up. Remember? Dude, where were you? किसी लड़की के साथ. And B, she's not कोई ऐसी वैसी लड़की, okay? वो पहली मीटिंग के बाद सारी रात इस लड़के के साथ बिताती है. But that's okay, क्योंकि हमारा ब्रेकअप हो गया था. And how come कल रात को तुम्हें स्टडी नहीं करना था, काम पे नहीं जाना था, सारा टाइम था उस राधा के लिए? मीरा और कृष के बीच में राधा कौन है? चल. Another bloody public tamasha. At least say sorry. Are you serious? जैसा breakup करके गई है, makeup करके गई है. Dude, Meera is like Dawn. उसको समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, नामुमकिन. Look at it. हम एक दूसरे को कितनी अच्छी तरह समझते हैं. It's like we connect. वो क्या एक ही रात में? प्लीज अब ये मत कहना कि किसी को जानने के लिए टाइम लगता है और फिर मैं कहूंगी नहीं मिहिर, सिर्फ एक ही मुलाकात काफी होती है. ओह कम ऑन रॉलर, स्टॉप मेकिंग दिस ड्रामा क्वीन. एक मुलाकात, बट आई मीन इट. अगर दो लोगों के बीच में वाइब है तो है वाइब. या ओके, व्हाट इज दिस वाइब? इट्स दिस इज अ वाइब. सी वाइब, मेरा वाइब सिर्फ मेरे सेल ऑपरेटर से है. उससे ज्यादा मुझे कोई मैसेज करता ही नहीं है. ओह ये देखो, हैड अ ग्रेट टाइम, फिर मिलेंगे. एक फिर मिलेंगे means thank you, bye bye, फिर नहीं मिलेंगे. Trust me. Not if it ends with a smiley. But smiley डालने से message का मतलब change होता है. Duh. Okay, तो मैं कहूँगी yes, definitely, see you soon. Don't forget the smiley. Knowing that the person behind you will not let you down. One, two, three. That was very good. Thank you. तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो, पर क्या मैं तुम पे भरोसा कर सकती हूँ? Ow! Long answer. Who eats burgers for lunch? सोचू तुझे, सुनू तुझे, बस यही तुझ में डूबा रहो, डूबा रहो, डूबा डूबा रहो, मैं तुझ में ही तुझ में डूबा रहो. That's all I really wanna do, that's all I really wanna do, that's all I really wanna do, that's all I really wanna do. देखो तुझे, छोलो तुझे, सोचो तुझे, सुनू तुझे, बस दिल तुझ में डूबा रहे. That's all I really wanna do. That's all I really wanna do. That's all I really wanna do. Yeah.
That's all I really wanna do. That's all I really wanna do. पहले मैं तुझसे मिलता था, अब मैं तुझ में घुलता जाऊं, ख्वाबों में गर हाथ बढ़ाऊं, हाँ तेरा पाऊं। खुशबू के जैसे मुझे ओढ़ ले तू, हर ख्याल महकता है, एहसास लेके तेरे साथ का हर लम्हा सरकता है। डूबा रहो डूबा डूबा रहो, मैं तुझ में ही तुझ में डूबा रहो। That's all I really wanna do. 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 By the way, thanks, huh? Station aane ke liye. Arey yaar, wo Eco professor na bahut strict hai. I'm so sorry. Lekin maine ab se sare classes bunk kar liye, I promise. Okay, so turn around. Hey. Fine. Oh no. Hamare beech mein wo nahi hona chahiye. Kya? You know, जब लोग एस एम एस बी पी एम पर बातें करते हैं, then when they meet, nothing to say. नहीं, हमारे साथ ऐसा नहीं होगा. हम पुरानी जीन्स की तरह. पुरानी जीन्स? हाँ, पहली ही मीटिंग से perfectly comfortable. पुरानी जीन्स. Nice. All right, come on. I'll show you Nottingham. Yeah. Nottingham? वो Nottingham में क्या कर रहा है? Sorry? I'm so sorry. That's not for you. That's for Meera. Meera kaun hai? Hai nahi thi. We broke up. Kab? Jis raat hum mile the. Sorry, wait a minute. Jis raat hum mile the, tumhara uske saath breakup hua tha aur tum mere saath puri Listen, what's wrong with all you girls? Maine kaha na, we broke up, Radha. Yeah, sirf 2 ghante pehle, Krish. To kitna time hona chahiye? Is there like a time limit to it? Oh, shut up! Agar tum dono ke beech mein sab kuch khatam ho gaya, to wo tumhe messages kyun bhej rahi hai? Wo bhi itne sare baat. Meera mujhe message nahi kar rahi hai. तो फिर Hey, aren't you this guy? Hey, it is him. Can I just see that, please? No way. Yeah, Meera's mad. किस बारे में? कि मैं यहाँ हूँ. Shit! तुमने अभी तक उसके साथ ब्रेकअप नहीं किया? How's this, Krish? What's wrong with her, man? What's wrong with you? Excuse me. क्या तुम उसे अभी फोन कर रहे हो? She has so had it from me. You have so had it from me right now. क्या तुम अभी भी उसके साथ हो, Krish? Are you cheating on her with me? But in the house tonight, we have Krish, who is fast becoming the most famous breakup artist on Facebook and Twitter. Check it out.
Listen, I am not cheating on her with you, okay? We broke up. Right now, I need to show her that two can play this game. Now, this is war. Oh, so your phone is still his photographs. Yeah, obviously, because I didn't get the time to get out. And actually, right now, I'm really happy. उसके फोटोग्राफ्स निकालने का टाइम नहीं मिला लेकिन साइड पे मेरे साथ स्टार्ट करने का बहुत टाइम था तुम्हारे पास लिसन तुम साइड पर नहीं थी तुम ये बहुत एंजॉय कर रहे हो ना राधा तुम्हें लग रहा है मैं एंजॉय कर रहा हूँ बट अब जो मैं करने वाला हूँ दैट आई एम डेफिनेटली गोना एंजॉय हाँ राधा कम ऑन अगर हमारा ब्रेकअप हो जाता तो क्या तुम मेरे साथ भी ऐसा आई कांट डू दिस ये सब बिल्कुल स्टूपिड है ये पुरानी जीन्स पहली मीटिंग से कनेक्शन वाइब सच तो ये कि तुम और मैं एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते और जो मैं जान रही हूँ खुदा ने जब तुझे बनाया होगा खुदा ने जब तुझे बनाया होगा एक सुरूर उसके दिल में आया होगा सोचा होगा क्या दूंगा तोहफे में तुझे तब जाके उसने मुझे बनाया होगा ओए, देख यार कितना वक्त हो गया आया क्यों नहीं अभी तक ओ परमिंदर कोई आ रहा है जाओ अभी आ रहा परमिंदर जाओ ना ओए परमिंदर मैं फिर आऊंगा मियां परमिंदर तो ठीक थी तो मैंने कब कुछ और कहा मियां ओए तू उसे भी जाने क्यों दिया तेरा उस पे भी दिल नहीं है दिल मिला है इश्क करने के लिए बस इतना समझ लीजिए एक से करना है या ग्यारह से खुद ही तय कर लीजिए वाह 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 जावेद मियां वाह वो सूखा हुआ तौलिया सुखाने क्यों आई है सारे समझो मम्मी अब बाहर गए होंगे इशारा दे रही हैं वो ऐसी नहीं अरे मियां वो जैसी भी हो तुम कैसे हो मुझे तो शक हो रहा है सब पुरजे हो रहे तो ठीक है तुम्हारे देखो मियां तवा तुम गरम कर रहे हो तो रोटी भी तुम ही सेको वरना कोई और रोटी खा जाएगा और तो लस्सी भी खा जाएगा मम्मी जावेद भाई लड़की की माँ
सईद मियां जी, गौर फरमा, वो आग ही क्या जो लग के बड़े नहीं, वो नशा ही क्या जो सर पे चढ़े नहीं। वाह वाह, नहीं बनता तब तक कोई सच्चा आशिक जब तक इश्क में उसको दो चार पड़े नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात है। ऊपर देखिए, अबे भागो भागो, चल 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 चल, मैं लिख लेना। कितने भाग रहा है तू, ऊपर आ, एक चपेट दूंगी तेनो। और तू क्या जा रही इधर, सूखा तौलिया सुखा रही थी तू, तेरा दुपट्टा कितने है, चल अंदर चल। यार ये आजादी के बाद सिक्के में तस्वीर किसकी आएगी, अभी तो कोई इंग्लिस्तान के वजीर की है ना। हमाम मियां, ये आजादी होती क्या है। अच्छा, हम आजाद होके करेंगे क्या। अरे मियां, मैं तो आज भी आजाद हूँ, मेरी आजादी पे किसकी पाबंदी है। आजादी दिमाग में होती है मियां। ओहो, आजादी कितनी भी क्यों ना हो लेकिन तू उसके साथ नामुमकिन। अच्छा हमाम मियां, हमें अब तक आजादी नहीं मिली, नहीं तो इंग्लिस्तान चली जाती, फिर मेरी आजादी का क्या होता। लो पकड़ो। अमच, हाप आना। हाँ, हाप आना। आना। He and you don't know English. Why do you speak it? I speak him English. We talk you English. How sweet, Alice. He wants to learn English so he can talk to us. Okay, you know English? Yeah. तुम English जानते हैं? जानते हैं। Speak. बोलो। Attack. Beat him. Bloody charge. India dog. माँ को पटा रहा है, उसकी बेटी को पटा रहा है। Come to my house. My daughter will teach you English. Oh, okay. Thank you, lady. वाह वाह वाह, क्या बात। एक बार ऐसी गोरी लड़की मिल जाए ना, ऐसी लगती है दही के ऊपर मलाई, हमारी देसी गुड़िया की तरह थोड़ी ना। छे, निकम्मी सोच है तेरी। उसके बनाए हर हंसी चेहरे से इश्क करना है, उसके बनाए हर हंसी चेहरे से इश्क करना है, आखिर मरने के बाद कल उसको मूवी तो दिखाना है। वाह वाह, क्या बात। Your eyes are blue, my heart true. I tell you, lady, I love you. Alice? Oh, daddy. Alice? Go, go now. Daddy, you like my song? अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? अब्बू, अंग्रेजों के तौर तरीके सीख रहा हूँ अब्बू, और कुछ उनको अपने सिखा रहा हूँ। What's going on? Who's been in your room? अरे भाग यहाँ से वरना। क्या डरते हो अब्बू, वो हमारे देश की ले रहे हैं, मैं उनकी ले रहा हूँ। Who the bloody hell are you? Daddy. Guards, catch this man! Get him! Bandit, go! Grab him! General, general! Why are you laughing? Get in your room! Move, you idiot! Move, move! Jump here! Kitna soega, chacha? Jaave teri bandi! आदाब जावेद। आपको कौन नहीं जानता। वैसे ये आपके लिए। शुक्रिया। चुप जाओ चिती।
Which way did he go? Kis taraf gaya? Kaun? Wo Indian ladka jo bhag raha tha. Kamal hai ji. Tu se che ho ke ek Hindustani unhi pakad sake. Lanat hai tum par. Chalo dhoondo usse. Ha ha jao. Bade. Dil mein na sahi kadmon mein sahi. Jagah to di usne. Dil mein na sahi kadmon mein sahi. Jagah to di usne. اے اللہ تیرا لاکھ شکر ہے کہیں سے تو شروعات کی اس نے محبت کا مطلب اقرار نہیں ہوتا صرف کسی کو دیکھنا پیار نہیں ہوتا یوں تو ملتے ہیں روز محبت کے پیغام محبت ہے زندگی بار بار نہیں ہوتا واہ جاوید جاوید قادری انگریز آپ کا پیچھا کر رہے تھے اور باؤ جی کہتے ہیں جو انگریزوں کا دشمن وہ ہمارا دوست اس لیے ہم نے آپ کو پناہ دی اب چلتے بنیے جاوید میاں ہم آپ کے بارے میں سب جانتے ہیں آپ کے ابو کی مہان سوچ کی وجہ سے آج ہماری ملاقات ہوئی اپنے ابو کو ہماری طرف سے شکریہ ادا کیجیے گا خدا حافظ ارے ارے ادھر کدھر جا رہے ہو باؤجی نے دیکھ لیا تو جو حشر ہوا ہے لاکھوں کا اپنا بھی وہ انجام صحیح ہم پہ تو کئی الزام لگے تجھ پر بھی کوئی الزام صحیح ویسے پاس سے تو ضرورت نہیں پڑے گی پر اگر آپ کو اتنے دور سے بلانا پڑے تو کس نام سے بلاؤں آپ آرادھنا آرادھنا جی باؤ جی آپ کی آواز کو کیا ہوا جاؤ باؤ جی باؤ جی ارے انہیں آداب تو کہتا جاؤں آرادھنا اگلے ہفتے ہم نے مورچہ نکالنے کا فیصلہ لیا ہے اسی سلسلے میں پارٹی کے کچھ لوگ دوپہر میں آ رہے ہیں سارا انتظام کر لینا ہاں جی امی کیا بریانی بنائی ہے مزہ آ گیا جاوید تجھے اپنی زندگی میں کچھ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے نا ابو اچھا کیا نکاح دیکھو جاوید ہر وقت مذاق اچھا نہیں لگتا ارے تجھے اپنی زندگی میں کچھ بننا ہے کہ نہیں بننا ہے نا ابو کیا دلہا ارے نام اکل اپنے ابو کو نہیں تو کم سے کم اپنی امی کو تو اس کے بڑھاپے میں کچھ دے گا اسے دوں گا نا ابو کیا پوتے یہ پاؤں ایسے لیجیے ذرا واہ اب وہ ہاتھ ویسے اور یہ ہاتھ ذرا سامنے دیکھیں ارے جاوید ارے معاف کیجیے چلائیے واہ واہ سامنے دیکھیں آدھا ورژن آپ ہمارے ساتھ اپنا وقت ضائع مت کیجیے دل نواز کے پلو میں آپ کا زیادہ فائدہ ہے بات تو صحیح ہے آپ کی پر وہ دلچسپ نہیں لے تو میں دلچسپ اس لیے ہوں کیونکہ میں چنوتی ہوں جائیے وہ اس سائیکل میں کہیں نہیں پہنچ رہی اور آپ ہمارے ساتھ کہیں نہیں پہنچے او پھر بھی آپ دو بار مسکرائیں صرف دو ملاقات ہوگی دیکھیے جی آپ نے جا کے اپنی سائیکل کی پاٹھ شالا سنبھالیے اور ویسے بھی مارے جانے کے بعد آپ ہمیں تھوڑا یاد رکھیں گے اور آپ ہمیں کب تک یاد رکھیں گے جاتے بھول جائیں آپ ہمیں بھول جاؤ ہمیں کوئی غم نہیں آپ ہمیں بھول جاؤ ہمیں کوئی غم نہیں جس دن ہم نے آپ کو بلا دیا سمجھ لیجئے گا اس دنیا میں ہم نے میرے دل پہ فتح لہرانے میری روح کو بھگانے میرے دل پہ فتح لہرانے میری روح کو بھگانے یہ نور کہاں سے آیا اس بات کو اللہ جانے
अल्लाह जाने जाने मौला जाने इस बात को अल्लाह जाने। डगमगाने लगा है गुरूर भी शराबी हो गया, मिट गई मेरी हस्ती कोई हुस्न इनकलाबी हो गया, तिरछे कुछ तीर चलाने घायल कर दे नजराने, ये दर्द कहाँ से आया इस बात को अल्लाह जाने जाने अल्लाह जाने जाने मौला जाने इस बात को अल्लाह जाने इस बात को मौला जाने। इस बात को अल्लाह जाने जाने मौला जाने जाने अल्लाह जाने जाने मौला जाने इस बात को अल्लाह जाने। मियां ये जो अंग्रेज हैं क्या हकीकत में इतने बुरे हैं, इतना बुरा काम कर रहे हैं? मियां ये सब सही कर रहे हैं, हमारे लिए रेल लगा रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हैं, हमारा सारा काम कर रहे हैं, हमारा देश सुधार रहे हैं मियां। तो इस हिसाब से हम उनके गुलाम कैसे हुए, बल्कि वो तो हमारे गुलाम हुए मियां। वाह क्या बात है, आला भाई क्या बात है, क्या बेहुदा बात है। आप लोग ना बस पूरा दिन बैठ के इनकी चमचागिरी करते रहो और बेफिजूल में हाँ में हाँ मिलाते रहो। क्या आपको पता है उन्होंने हमारे लोगों को कितना दबा के रखा है? क्या आप जानते हो उन्होंने कितनी लूट मचा के रखी है? क्या आपको पता है उनकी औरतें कितनी दयालु हैं? क्या आपको और कुछ कभी सूझता है? निकम्मे कहीं के। उन्हें हमसे शिकायत है कि हम हर किसी को देखकर मुस्कुराते हैं। उन्हें हमसे ये शिकायत है कि हम हर किसी को देखकर मुस्कुराते हैं। ना समझे वो ना समझे कि हमें तो हर चेहरे
वही नजर आए। ना जागते हुए ख्वाब देखा करो, ना चाहो उसे जिसे पा ना सको। प्यार कहाँ किसी का पूरा होता है, प्यार का पहला अक्षर अधूरा होता है। वाह वाह, ओह तो वैसे वो सही कह रही, तुम लोग दिन भर बस मेरी हाँ में हाँ मिलाते रहो। सच मियाँ, मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे इनको लगे कि मैं वैसा हूँ नहीं जैसा उनको लगता है। पर मियाँ, आप वैसे ही हैं जैसा उनको लगता है। मियाँ, मैंने कहा उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि मैं वैसा नहीं हूँ जैसे उन्हें लगता है। और वो कैसे करोगे? तो आप हमारी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं? जी, बड़ी खुशी की बात है, आप जैसे नौजवान हमारी पार्टी में आना चाहते हैं। जी, मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। जाओ, जाकर किसी अंग्रेज अफसर पर हमला करो। तुम्हें क्या लगता है, ये सब मजाक है? गांव में मैंने तुम्हें कई बार देखा है, दिन भर लड़कियों के पीछे भागते रहते हो निकम्मे कहीं के। निकलो यहां से, कुछ नहीं करोगे तुम। जी वो आजादी की लड़ाई, तुमसे कहा ना, इस पिस्तौल को उठाओ और किसी भी अफसर पर हमला करो। ऑफिसर छोड़ो, इस पिस्तौल को उठाओ और निशाना साधो। जी। ये किसी लड़की का हाथ नहीं है जिसे तुम आसानी से पकड़ सको। निकलो यहां से, निकलो। जी माना कि मैंने आज तक कभी पिस्तौल का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं निकम्मा हूँ। हुजूर, कुछ तो काम होगा मेरे लिए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अगले हफ्ते मोर्चा निकल रहा है जी। आ जाना और अपने निकम्मे दोस्तों को भी ले आना। कुछ नहीं करेंगे, कम से कम हमारी संख्या तो बढ़ेगी। शुक्रिया हुजूर, शुक्रिया। सब आएंगे। बेवकूफ कहीं का, ऐसे खुश हो रहा था जैसे घर पर दावत के लिए बुलाया है। दो लाठियां सर पे पड़ेंगी, दिमाग ठिकाने आ जाएगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आ जाओ मियां। अरे अशरफ मियां, क्या हाल है? वैसे लिखा क्या है? वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अबे ऐसे चलते ही रहेंगे क्या? अरे क्या फर्क पड़ता है, चलना सबके साथ। वंदे वंदे मातरम, 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 वंदे। Mandai! 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 Mandai!
gentlemen, this is a very peaceful village. Is that you, right? Get out. ओहो जनाब आइए ये हादी जी वंदे मातरम अभी तो कैदियों से मिलने का वक्त भी नहीं है। गांव की कुछ लड़कियां कैदियों की तीमारदारी के लिए आती हैं। तो आप भी उनके साथ छुपकर मुझसे मिलने आ गई। वैसे लिबास आप पर काफी जचता है। देखिए जावेद, ये प्यार नहीं हो सकता। आपको हमसे इतना प्यार नहीं करना चाहिए। किसी को भी किसी से इतना प्यार नहीं करना चाहिए। ये बात आप हमसे कह रही हैं या अपने आप से? दीवाने हैं आपके इस बात से इनकार नहीं। कैसे कहें कि हमें आपसे प्यार नहीं? दीवाने हैं आपके इस बात से इनकार नहीं। कैसे कहें कि हमें आपसे प्यार नहीं? कुछ तो कसूर है आपके अदाओं का। अकेले हम ही गुनेगार। तो देती जाती हमें पता है ये सब आपने मार ले किया, लेकिन प्यार का मतलब सिर्फ किसी के लिए कुछ करना नहीं होता। तो हम दोनों में से कौन किससे प्यार करता है? उफ, मैं तो नहीं करती। वैसे आपकी उम्र क्या है? 22 साल। हमारे गांव सरगोधा में एक कहावत है कि 22 साल की लड़की अगर किसी से 22 बार झूठ बोले तो उसकी सबसे प्यारी चीज अल्लाह को प्यारी हो जाती है। हटो जी, ऐसी कोई कहावत नहीं होती। और हम आपसे प्यार नहीं करते। एक कहा ना नहीं करते तो बढ़िया है। पौधे को ऐसे जड़ों के साथ हम लोग एक दिन हम अपने खेतों में बिल्कुल ऐसे ही खेती बाड़ी करेंगे। ओफो जावेद, हम लोग कभी साथ नहीं होंगे। 3 पानी डालो जी। प्यास लगी है मियां? एले आपको बच्चे कितने चाहिए? क्या जावेद भाई, जब शादी नहीं होगी तो बच्चे कैसे होंगे? अरे वाह, शादी क्यों नहीं होगी? जब प्यार नहीं होगा तो शादी कैसे होगी? नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं। क्या रहा? आप पिछले 4 हफ्तों से जेल क्यों आ रही? 20 क्या मेरे कुछ कहने से पहले ही? अब अपनी सबसे प्यारी चीज अल्लाह को प्यारी हो जाने दी। अब बस मार ही डाल रहा हूँ।
मोहब्बत काम है मेरा, हूँ आशिक ये खता मेरी के जावेद नाम है मेरा। अरे तो होश में आ जा के जो भी नाम है तेरा, नहीं मालूम है तुझको के क्या अंजाम है तेरा। तू ये भी भूल जाएगा के जावेद नाम है तेरा। तेरी आंखों का कैदी हूँ, मोहब्बत काम है मेरा, आशिक ये खता मेरी कि जावेद नाम है मेरा। तेरी आंखों का कैदी हूँ, मोहब्बत काम है मेरा, हूँ आशिक ये खता मेरी कि जावेद नाम है मेरा। अरे तू होश में आ जा कि जो भी नाम है तेरा, नहीं मालूम है तुझको कि क्या अंजाम है तेरा। तू ये भी भूल जाएगा कि जावेद नाम है तेरा। अरे आके आजमा ले हमें, आके आजमा ले हमें, हो जाएगी आशिक तू, हमसे प्यार कर ले तू, हमसे प्यार कर ले तू, हमसे प्यार, हमसे प्यार गिरफ्तार कर ले तू, हमसे प्यार कर ले तू, हमसे प्यार कर ले तू। नशा करता हूँ आंखों से हसीनों का, नशेड़ी हूँ बिना जुए पीता हूँ, मैं थोड़ी चीज तेरी 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 हूँ। हाँ मेरी नजरों के कैदी की जमानत भी नहीं होती, जो दिल हम तोड़ते उनकी मरम्मत भी नहीं होती, मरम्मत भी नहीं होती, मरम्मत भी नहीं होती। गुनाहों का ये मौसम है, ऐ बेशर्मी की रुत आई, शराबत धीरे से बोली, लोगे मैं भी धुत आई। और आगे आजमाल हमें, हो जाएगी आशिक तू, हमसे 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 प्यार कर ले तू, गुरबतार कर ले तू, हमसे प्यार कर ले तू, हमसे प्यार कर ले तू, हमसे। दिल है तो आ जाना, मुझे भी कत्ल कर दे तू, तू जालिम है तो आ जाना, मुझे भी जख्म दे दे तू। है तेरा हुस्न अगर तलवार तो ले पेश सीना है, मगर सीने के अंदर भी धड़कता एक नगीना है, धड़कता एक नगीना है, धड़कता एक नगीना है। बचा के रख तू ये जज्बात, जाम आएंगे। आके आजमाल हमें, हो जाएगी आशिक तू, हमसे प्यार कर ले तू, हमसे प्यार कर ले तू, हमसे प्यार, हमसे प्यार गिरफ्तार कर ले तू, हमसे प्यार कर ले तू, हमसे प्यार कर ले तू, हमसे प्यार, हमसे प्यार गिरफ्तार कर ले तू, हमसे प्यार कर ले तू, हमसे प्यार कर ले तू। How dare you do this to
हिंदुस्तानियों के अंग्रेजों के लिए काम करते हो सालों अस्सलाम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी मुझे आराधना से मिलना है। उसकी पिछले महीने शादी होगी, तुम उससे जितना दूर रहो उतना अच्छा है। तुम्हें क्या लगा मैं उसकी शादी तुम जैसे से करवाता? शेर नहीं सुनाओगे? क्यों? तुमसे सुना नहीं जाएगी। तरीके हैं आजकल कनेक्ट करने के, लेकिन अगर कोई आपको
उस हर तरीके से इग्नोर करें तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि सो बट बेसिकली मुझे किसी लड़की की जरूरत ही नहीं क्योंकि जब तक मेरे पास दारू है तब तक मुझे कोई लड़की नहीं चाहिए बिकॉज दारू और लड़की दोनों सेम होते हैं कोई डाक होती है कोई लाइट होती है कोई हार्ड होती है कोई सॉफ्ट होती है एक भी हो और चाहिए ज्यादा भी हो सजा से एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक से कभी काम नहीं चलता अरे यार अब हम प्यारी प्यारी क्यूट सी बातें करेंगे हमें लगेगा वाओ हमारे बीच में कितना अच्छा कनेक्शन है हम बिल्कुल पुरानी जीन्स की तरह हैं लेकिन उसके बाद मैं तुमको बताऊंगा कि अभी अभी मेरा दो लड़कियों के साथ ब्रेकअप हुआ है तुम कहोगी मैं तीसरी या तीसरे तुम होगे नाइस यू नो बट द थिंग इज दैट This whole thing, it's a vicious cycle. शुरू शुरू में सब अच्छा लगता है बाद में same shit. वही झगड़े वही लड़ाइयाँ फिर से किसी नए आदमी के साथ नया कनेक्शन आखिरी बार शेक्सपियर फेस्ट पे मिलना किसको मैसेज किया दादा को और मीरा को भी काकले मान कैसे गया हाँ यार जावेद कादरी गाने का ये कैसे हुआ मियां जिंदगी में एक ही बार मोहब्बत की अब्बू तो दोबारा होगी नहीं सोचा अब्बू की खुशी के लिए कुछ कर लेता हूँ फ्रेंड्स रोमन्स कंट्रीमैन यू नो दे से दैट शेक्सपियर रिटन समथिंग फॉर एवरी रिलेशनशिप कि शेक्सपियर ने हर रिश्ते के लिए कुछ लिखा है In my case, not true. मेरे लिए तो बिल्कुल गलत मेरे साथ जो हुआ वो शायद शेक्सपियर के साथ भी नहीं हुआ होगा आई गेस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट मेरी लव स्टोरी एक्चुअली लव स्टोरीज कुछ ज्यादा ही उलझी हुई हम दोनों को गलत लोगों से प्यार हो गया तो मैं बिना काम के किराए के मकान में रहने वाले से प्यार हो गया मैं पर्दे पर चलती पिक्चर को सच्चाई समझने लगा
जैसे ही पिक्चर खत्म हुई पीछे की सीढ़ियों से फिर सड़क हम दोनों को गलत लोगों से प्यार हो गया सिर्फ अप्पू की खुशी के लिए रात में मेरी शादी भी तो वही थी ना हमें चलना चाहिए हमारा यहां और रहना मुनासिब नहीं है जिंदगी और शादी मुबारक Meera, I think you all know Meera. Facebook fight last week. I told you that's a Facebook guy. Yeah, main hoon wo Facebook guy. You're right. Meera, I think hum dono ke beech mein jo tha, shayad pyar tha. Lekin ab hum dono jante hain ki wo nahi hai. और राधा अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे मेरे बीच में जो भी कुछ है वो प्यार नहीं है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं जिस दिन मेरा और मीरा का ब्रेकअप हुआ विच वॉज माई बर्थडे उसी दिन मैं और राधा मिले और राधा प्लीज ये मत पूछना कि कब कैसे कहाँ इतनी जल्दी बिकॉज ऑनेस्टली व्हेन आई डोंट नो व्हेन You happened to me. और अगर तुम यहां से चली गई जो तुम जा रही थी मैं तुमसे कहीं ना कहीं जरूर मिलूंगा सुनिए थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा यहां भी सारी सीटें सर्व आपने तो क्या किया होगा तब तक तो चुप रही है आप यहाँ मुझसे मिलने नहीं है आपकी तो यहाँ मुझसे मिलने नहीं है आपने ऐसा क्या किया होगा जो आप इतनी जल्दबाजी में जा रहे हैं जावेद कादरी वल्द सुलेमान कादरी आपका निकाह निकाह शेख वल्द शाह नवाज शेख के साथ करार पाया गया है क्या आपको कबूल है क्या आपको कबूल है क्या आपको कबूल है
लगा दो। चार बार आराधना से निकाह करो। That's exactly why I hate you, Krish Kapoor. I love you too, Radha. पहली बार हम किसी से कैसे, कब, कहां, किस लाइफ में मिलते हैं ये हमें भी नहीं पता। माफ कीजिएगा, टोपी बीच में आ गई। This is so going on Facebook। और उन्हें हम फिर कब, कैसे, कहां, किस लाइफ में मिलते हैं फतेह लहराने मेरी रूह को भिगाने ये नूर कहाँ से आया इस बात को अल्लाह जाने जाने अल्लाह जाने जाने मौला जाने इस बात को अल्लाह जाने इस बात को मौला जाने डगमगाने लगा है गुरूर भी शराबी हो गया मिट गई मेरी हस्ती कोई हुस्न इनकलाबी हो गया तिरछे कुछ तीर चलाने घायल कर दे नजराने ये दर्द कहाँ से आया इस बात को अल्लाह जाने जाने अल्लाह जाने जाने मौला जाने इस बात को अल्लाह जाने इस बात को मौला जाने तो मिला है आज हवा में सांसों में घुंघरू के
कदम आसमां है पैरों के नीचे वरना जमीन पे कैसे नीलापन हार के जीतने का सिलसिला मिल गया जन्नते मिल गई या खुदा Call.